तो सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को प्रवेश सर का नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की हेडलाइन है रिजल्ट आ गया क्या। तो प्यारे बच्चों, जो भी 12th बेस एग्रीकल्चर या 10th बेस एग्रीकल्चर या फिशरीज मछली पालन ABM एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट जो MSc है, PhD है, HEU के जितने भी कोर्सेज हैं, सभी का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आएगा 21 से पहले बोला है उन्होंने, लेकिन 19 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। प्यारे बच्चों, प्लस टू का तो रिजल्ट बन चुका है, 10th का रिजल्ट चेक हो रहा है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। 18 और 19 कट ऑफ भी आपको बताऊंगा 10th बेस एग्रीकल्चर की क्या रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से वीडियो देखो और सारी की सारी कट ऑफ आप भी डिस्कस करेंगे। जितनी भी कट ऑफ जाने वाली है, जनरल कैटेगरी में क्या रहेगा, SC कैटेगरी में क्या रहेगा, BC कैटेगरी में। अब मैं पहले बात करता हूँ BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर, BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर की बात करते हैं पहले, फिर करेंगे 4 ईयर की बात। जुड़े रहिए वीडियो, जो भी जिस बच्चे ने भी HEU का एग्जाम दिया है उस तक वीडियो पहुंचा दो, शेयर कर दो, वेरी गुड कर दिया ना। तो BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर, पहली बात करते हैं जनरल की कट ऑफ। तो प्यारे बच्चों, इस बार का जो पेपर था, देखो साइंस तो आई थी इजी, लेकिन HEU ने 3 क्वेश्चनों की आंसर की गलत कर दी, वो ठीक भी हो जाएगी, ठीक है। और एग्रीकल्चर थोड़ा सा हार्ड था, एग्रीकल्चर मुश्किल आने की वजह से कट ऑफ थोड़ी सी कम रहने वाली है, ठीक है। देखो, ग्रेस मार्क्स के बाद तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, यदि हम जो कट ऑफ की बात करेंगे ये विदाउट ग्रेस मार्क्स है, जो आपके मार्क्स आंसर की के अकॉर्डिंग बने हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 4-4 नंबर इसमें बढ़ जाने हैं, किसी के 2 कम होंगे, किसी के 3 बढ़ेंगे, किसी के 4 बढ़ेंगे, उसके बाद तो देखो चेंज होना है। ये आंसर की के बाद की कट ऑफ है, फिर मैं लाऊंगा रिजल्ट के बाद की कट ऑफ। जो रिजल्ट के बाद की कट ऑफ होती है वो तो बिल्कुल ओरिजिनल जाएगी, बिल्कुल एज इट इज, लेकिन ये लगभग मतलब आसपास रहने वाली है, ठीक है। जहां तक मेरी उम्मीद है, जिस भी बच्चे के जनरल कैटेगरी में इस समय 82 मार्क्स हैं या 82 प्लस मार्क्स हैं, देखो उन सभी का सिलेक्शन होएगा। जनरल कैटेगरी में BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर की बात करूं मैं, जिस बच्चे के आंसर की के अकॉर्डिंग 82 मार्क्स बन रहे हैं या 82 प्लस है, तो वो अपना एडमिशन श्योर मान सकता है। जिसके 81 बन रहे हैं, देखो उसका हो सकता है, लेकिन मैं पक्का कंफर्म नहीं कहूंगा, ठीक है। फिर बात आती है EWS की, 2 नंबर कम कट ऑफ जाती है हर बार, तो जनरल की 82 जा रही है तो EWS की रहेगी 80 या 80 प्लस। भाई 80 प्लस वालों को तो सबका ही होना है, 80 तक जाएगी, कंफर्म जाएगी आंसर की के अकॉर्डिंग। बाद में चेंज होना है, देखो किसी के 4 बढ़ जाएंगे, किसी के 5 बढ़ जाएंगे, उसके बाद भी मैं कट ऑफ आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। फिर बात करते हैं जनरल EWS के बाद आप करते हैं BCA और BCB। BCA की जो पिछली बार की कट ऑफ है वो रही थी लगभग 78, तो उसी के करीब रहेगी 78 और 78 प्लस, सभी का सिलेक्शन होएगा, ठीक है। BCB की भी इतनी रहती है लगभग 79 और 79 प्लस। ये BCB की एक नंबर ज्यादा क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि BCB में थोड़ी सीट कम है, BCA की 9 सीट है और BCB की 6 सीट है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन SC और डिप्राइड SC। SC कैटेगरी में उस बच्चे का पक्का सिलेक्शन है जिस बच्चे के 74 या 74 प्लस है, डिप्राइड SC में 72 या 72 प्लस, उन सभी का सिलेक्शन होएगा। ये लगभग अप्रोक्सीमेट है, करेक्ट मैं लाऊंगा रिजल्ट के बाद, ये अंदाजा है, जनरल का अंदाजा फिट है। जिस बच्चे के 82 मार्क्स या 82 प्लस, सबका सिलेक्शन होएगा, क्योंकि 4-4 नंबर बढ़ने वाले हैं, 3 साइंस के तो पक्के बढ़ेंगे, 1 एग्रीकल्चर में बढ़ सकता है, तो 4 नंबर बढ़ेंगे तो 82 प्लस 4 86 हो जाएंगे, यही कट ऑफ रहेगी। टॉपर भी लगभग इतना 90 वाली लाइन में रहेगा टॉपर, आपको पता है टॉपर आना एग्री अकेडमी हिसार का है, लगातार 3 सालों से एग्री अकेडमी हिसार इतिहास रच रही है, हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक एग्री अकेडमी का 3 सालों से आ रहा है। 2021 में जतिन बिस्ला जनरल कैटेगरी में, 2022 में प्रवीण खरब, 2023 में सुमित बैनीवाल, 2024 का फर्स्ट रैंक आएगा 19 तारीख को एग्री अकेडमी चोट्रिक लगाने वाली है, चौथी बार इतिहास रचने वाली है। जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं इससे,
इससे कम मार्क्स हैं तो प्यारे बच्चों आप ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर जाओ एग्री अकेडमी का। जिस बच्चे ने जैसे देखो अभी टेंथ हुई है अपनी, यदि आप स्कूल में जाओगे तो स्कूल में तो 4 महीने लेट हो चुके हो आप, 4 महीने का सिलेबस कौन करवाएगा, पीछे रह जाओगे। लेकिन एग्री अकेडमी अभी से लॉन्च कर रही है अपना प्लस वन विद ड्रॉपर बैच, मतलब साथ में प्लस वन भी होगी आपकी और साथ में एग्रीकल्चर की तैयारी भी होगी। मतलब अपना जो बच्चा 3 महीने में देखो 1 या 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रह गया, लेकिन अगले साल उसका एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा, पक्का श्योर एडमिशन हो जाएगा। कहते हैं ना 1 साल की तैयारी सिलेक्शन की जिम्मेवारी हमारी, तो हमारे पास यदि आप आओगे एग्री अकेडमी सार में एडमिशन ले लो जितना जल्दी हो सके, एक दिन भी खराब ना करो। जिसके इससे कम मार्क्स हैं, जिसके मार्क्स इसके आसपास हैं, अभी वेट करो आप 19 तारीख का, ठीक है। तो ड्रॉपर बैच अपने स्टार्ट हो चुके हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों बीएससी एग्री 4 ईयर की, ठीक है। 4 ईयर में क्या कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन 4 ईयर में देखो उम्मीदें बहुत सारी हैं। पहला तो कोर्स आ जाता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, पहली बात तो इसमें एडमिशन हो जाएगा जिस बच्चे का। लेकिन इसमें एडमिशन ना हुआ तो अपने पास दूसरा ऑप्शन भी है एमएचयू, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी। कई बच्चे कह रहे हैं महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी फ्रॉड में आ गई, ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, कोई 1-2 गाइडलाइन कंप्लीट नहीं होती, वो धीरे धीरे होती है। अभी नई नई यूनिवर्सिटी बनी है, नया नया कैंपस बनेगा, बिल्कुल सरकारी यूनिवर्सिटी और सही यूनिवर्सिटी, आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर आ जाता है फिशरीज पालन, मछली पालन में भी आप एडमिशन ले सकते हो। फिर आ जाता है बीटेक एग्रीकल्चर। फिर एक कोर्स और भी नया स्टार्ट करा था, बायोटेक, एबीएम। मतलब प्लस टू वालों के पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप बस एक्टिव रहना, एग्री एकेडमी के साथ आप जुड़े रहो, आपका कहीं ना कहीं एडमिशन अवश्य हो जाएगा। एग्री एकेडमी में जितने भी बच्चे थे सारे बच्चे कामयाब होंगे A to Z, क्योंकि ऑप्शन ही बहुत ज्यादा है। फिर भी किसी बच्चे के कम मार्क्स आते हैं तो आप ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हो, ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो चुका है एग्री अकेडमी में, ठीक है। ये थी प्लस टू की बात, प्लस टू का तो कट ऑफ की क्या बात करनी है, कट ऑफ जिसका एग्री में नहीं होता तो एमएचयू में हो जाएगा, एमएचयू में नहीं हुआ फिशरीज में हो जाएगा, बीटेक में हो जाएगा, बायोटेक में हो जाएगा, एबीएम में हो जाएगा, मतलब इनका एडमिशन कहीं ना कहीं श्योर है। फिर भी मैं कट ऑफ की वीडियो अलग से बनाऊंगा आपकी, तो प्यारे बच्चों जितने भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं टेंथ बेस एग्रीकल्चर, जल्द से जल्द अपनी एकेडमी ज्वाइन कर जाओ। यदि आप चाहते हो अपना आपका सपना पूरा हो, आपका एडमिशन एचयू में हो, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार का स्टूडेंट बनने का यदि सपना है ना प्यारे बच्चों, एक दिन भी खराब ना करो। देखो यदि हमारे कम नंबर आ गए, हमने उदास नहीं होना, अरे अभी पूरी जिंदगी बाकी है ना, तो आपने तो कामयाबी की एक और सीडी चढ़ेंगे, आप कामयाब होंगे। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करो एग्री अकेडमी साथ, एग्री है तो मुमकिन है। जय जवान जय किसान।